कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी में कमाल दिखाया और उसके बाद गेंदबाजी से मैच पलटते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक रन से हरा दिया। केकेआर ने पहले खेलते हुए 222 रन बनाए थे, लेकिन आरसीबी लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 221 रन ही बना पाई। इस मैच में कोलकाता के लिए खेलते हुए सुनील नरेन बल्लेबाजी में तो कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन गेंदबाजी में 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसी के साथ उन्होंने आईपीएल के इतिहास में किसी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मैच में रजत पाटीदार ने मात्र 21 गेंद में 50 पूरी कर लिया है। इसी के साथ पाटीदार अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए तीसरे सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि पाटीदार अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए तीसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैच में केकेआर ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ आईपीएल के इतिहास में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है।